हेलो दोस्तों, कैपे साइड मैं आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर अपनी कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, HRBS कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों ITI पास आउट बच्चों के लिए, चाहे आप ITI NCVT से किए हैं, SCVT से किए हैं, चाहे आप सरकारी ITI से किए हैं, प्राइवेट ITI से किए हैं, आप इस कैंपस प्लस वन में भाग ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों आप लोगों के लिए, इसमें जो सैलरी आप लोगों के लिए दिया जा रहा है वो 14,500 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। जो ये आपका सिटी से वगैरह काट कूट के ये सैलरी आपको दिया जाएगा। जो यहाँ पे पासिंग है दोस्तों बहुत ही अच्छा रखा गया है, जो 2015 से 21 तक पास किए हैं वो बच्चे इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। जो 2014 में किए हैं या 2022 में किए हैं वो बच्चे इस कैंपस प्लस में नहीं भाग ले सकते हैं। इसमें कैंटीन बस, PAPSI यूनिफॉर्म, शूज़, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, जो भी फैसिलिटी होता है दोस्तों सारे फैसिलिटी आपको कंपनी के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। जो सिर्फ रूम है अपने से लेना पड़ता है दोस्तों, इसमें रूम आपको नहीं दिया जाएगा कंपनी द्वारा। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों इसे कैंपस प्लस में मिस नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को जाना है इस कैंपस प्लस में भाग लेना है दोस्तों। मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सारा कुछ बताऊँगा कि कहाँ कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, कब कैंपस प्लस लगाई जा रही है, क्या एज लिमिट रखा गया है, कब तक ये कैंपस प्लस लगाई जाएगी, सारा कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आप लोग शुरू से एंड तो सीट बने बने रहे तभी आप लोग समझ में आएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस की जानकारी देती है, ऐड संबंधी जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोग दी जाती है। चलो दोस्तों अभी चलते हैं HRBS के कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग HRBS इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया है SRB इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो कैंपस प्लेसमेंट 2022। यहाँ पे कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। उसी के बारे में लिखा हुआ क्या क्या प्रोडक्शन बनाती है, कब से स्टार्ट हुआ, सारा कुछ लिखा हुआ दोस्तों है HRBS के बारे में। तो चलिए हम लोग नीचे के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो ITI पास आउट कैंडिडेट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। वो भी आपका 10th में 50% नंबर होना चाहिए और ITI में आपको 60% नंबर होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। जो ITI ट्रेड दिया गया है यहाँ पे, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, डीजल इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, पेंटर, जनरल, वेल्डर, ये सब ट्रेड दिया गया है दोस्तों। तो जिनका जिनका ट्रेड है वही केवल भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं भाग ले सकते। तो आप लोग अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद जाइएगा कैंपस प्लेसमेंट में। जो पास आउट दिया गया है यहाँ पे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021 वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2015 से जो 21 तक पास किए हैं वही केवल भाग ले सकते हैं, अंदर वाले बच्चे नहीं भाग ले सकते इसमें। इसमें जो आपको जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो फॉर ट्रेनर के लिए आपको लिया जा रहा है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, इसमें अप्रेंटिस नहीं करवाई जाएगी, इसमें आपको ट्रेनर के लिए लिया जा रहा है। जेंडर जो है ओनली मेल कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, ओनली जो है पुरुष को लिया जाएगा। एज लिमिट 18 से 23 रखा गया, जिनका एज 18 से 23 वर्ष तक है वही केवल भाग ले सकते हैं, ना ही आपका एज 18 से कम होना चाहिए, ना ही 23 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सैलरी एंड बेनिफिट्स रहने वाला है वो सैलरी एज पर कंपनी रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा दोस्तों। फिर भी मैं इसका सैलरी बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जो आपको काट कूट के आपको सैलरी दिया जाता है दोस्तों, 14,000 से ज्यादा इसमें सैलरी दिया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा सैलरी आपको दिया जा रहा है। इसके अंदर कैंटीन बस, PAPSI, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब फैसिलिटी दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ये सब आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। रूम सिर्फ जो है अपने से लेना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, बैंक का पासबुक, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, और इन सब का 2 जेरोक्स का भी साथ में आप लेके जाएगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना आप लोगों को। और जो ये कैंपस प्लस लगाई जा रही है 22 मार्च को लगाई जा रही है दोस्तों, 2022 सुबह 9:30 बजे कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। तो आप लोगों को सुबह 9:30 बजे जाना है, जहाँ जाना है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। जो गवर्नमेंट ITI जो देवरिया उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रहे दोस्तों, तो आप लोगों को वहीं पे जाना पड़ेगा दोस्तों, जो 22 मार्च को सुबह 9:30 बजे। तो जाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग इस कैंपस में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।